हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड द सेकंड चैप्टर ऑफ गुलमोहर सेविंग द घरियाल जानकी लेनन वाइट टेकर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट रोमुलस वाइट टेकर कौन है वाइल्ड लाइफ वन जीवों के संरक्षक हैं वो वन जीवों के बचाव का काम करते हैं ही वर्क्स प्राइमरली विथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स वो जनरली रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के साथ काम करते हैं वाइटेकर लिव इन चेन्नई तमिलनाडु वाइट टेकरनाडु में चेन्नई में रहते हैं एंड इज फाउंडर ऑफ मद्रास स्नेक पार्क एंड मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और ये मद्रास के स्नेक पार्क और मद्रास uh, के क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के स्थापक हैं उन्होंने ही मद्रास स्नेक पार्क और मद्रास कोरकोडाइल बैंक ट्रस्ट की स्थापना की थी फाउंडर थे उन्होंने ही उसकी खोज की थी दिस नरेटिव इज रिटन बाय हिज वाइफ ये जो स्टोरी है ये जो नरेशन है ये कहानी जो नीचे दी हुई है वो उनकी वाइफ के द्वारा लिखी गई है जानकी लेनिन जानकी लेनिन कौन है रोमिलस वाइटटेकर की वाइफ है बट इट इज़ वाइट अकाउंट ऑफ हिज अटेम्प टू सेव घरियाल एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट पर ये काम किन किसका है वाइट का टेकर का काम है रोमिलस वाइट टेकर का काम है जिन्होंने घरियाल के बचाव और उनके नेचुरल हैबिटेट के बचाव की कोशिश करी थी द सन ब्लेज ओवर सूरज सर पर चमक रहा है मतलब दोपहर का वक्त है सूरज दोपहर के वक्त मिड डे में uh, सर के ऊपर होता है इट वॉज मिड डे एंड वी हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स दोपहर का वक्त हो चुका है आधा दिन बीत चुका है और हम घंटों से चल रहे हैं आई वॉन्टेड टू बिलीव दैट द विस्प ऑफ ब्लू इन द डिस्टेंस वॉज द रिवर पदमा और मैं ये मानना चाहता था कि दूर में बहुत दूर जो धुंधला सा दिखाई दे रहा है विस्प, विस्प क्या कहते हैं जो धुंधला सा कुछ दूर में दिख रहा हो उसे विस्प कहते हैं वो क्या है रिवर पद्मा है वो मानना चाहता था कि दूर में जो दिखाई दे रहा है वो रिवर पद्मा है आवर डेस्टिनेशन उनकी मंजिल बट आई वर इट वॉज अ मीरेज मगर मुझे मैं चिंतित था कि शायद वो भी एक मीरज है मीरज मतलब एक फॉल्स इमेज मतलब गर्मियों के टाइम में मीरज बहुत ज़्यादा दिखता है रिफ्लेक्शन होता है वो किसी चीज़ का एयर और आ, सन की वजह से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमें बट एक्चुअल में वो चीज वहां होती नहीं है द रिवर इज द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड आई हैज चेंज्ड इट्स एंड हैज चेंज्ड इट्स कोर्स सो मेनी टाइम्स और ये जो रिवर पदमा है ये क्या है ऑफिशियल बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये रिवर पदमा कहाँ आती है इंडिया और बांग्लादेश के बीचों बीच आती है मतलब एक बाउंड्री का काम करती है एंड हैज चेंज इट्स कोर्स सो मेनी टाइम्स और ये अपना रास्ता बहुत बार बदल चुकी है आई फियर इट माइट हैव वैनिस्ड ऑल टूगेदर इसीलिए ये जो राइटर है ये सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी तरह गायब हो गई है नदी फाइनली रॉबिन ऑफ कोबाल सोन इन टू व्यू और अचानक से इन्हें नदी दिखाई देती है वी रीच द हाई बैंक वो नदी के किनारे पहुंचते हैं नीज बकलिंग एंड एग्जो विथ एग्जॉशन और काफी थक गए हैं इनके पैर जो हैं नी बकलिंग मतलब थक जाना बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाना कि उनके पैर जो है काम नहीं कर रहे हैं बकल हो गए हैं लॉक हो गए हैं विथ एग्जॉशन थकावट की वजह से उनके पांव काम नहीं कर रहे हैं वो काफी थक चुके हैं चलते चलते वेन इन द वॉटर बिलो अस वी सॉ क्रोकोडाइल विद अ लॉन्ग स्नॉट और तभी उन्हें एक क्रोकोडाइल दिखता है पानी में लंबे स्नॉट के साथ लंबी सी उसकी मुंह है वॉज इट अ घरियाल और जस्ट अनदर इल्यूजन क्या ये सच में एक घड़ियाल है या फिर एक और इल्यूजन है इल्यूजन मतलब फॉल्स इमेज क्या उन्हें फिर से कुछ गलत दिखाई दे रहा है या वहां सच में एक घड़ियाल है द रेप्टाइल्स बॉडी ग्लिस ग्लिस्टर्ड इन द सन उस रेप्टाइल की बॉडी धूप में चमकती है शी सीम्ड अन एफरेड ऑफ एंड वी गेस्ट शी वॉज गार्डिंग एग्स बरीड इन दैंड बैंक वो उन्हें देखकर बिल्कुल भी डरती नहीं है शी इज अन एफरेड वो बिल्कुल भी डरी नहीं उनको देखकर और ये देखकर इन लोगों ने सोचा कि जरूर ये अंडों की रक्षा कर रही है शी वॉज गार्डिंग एग्ज वो अंडों की रक्षा कर रही है बरीड इन दैंड बैंक जो कि वहां के बैंक पे किनार नदी के किनारे सैंड में दबे हुए हैं गड़े हुए हैं बड़ीड हैं इंस्टेंटली वी फाउंड अ नेस्ट वाइल बींग वॉश्ड केयरफुली बाय इट्स ओन और जैसे ही उन्होंने ये देखा कि वो यहां पे गार्ड कर रही है उन्होंने सोचा यहाँ पे अंडे हैं और ये सोचकर वो रिवाइव कर गए उनके अंदर अच्छी फीलिंग आ गई और दे डग अंटिल दे फाउंड द नेस्ट वो तब तक खोदते रहे जमीन को जब तक उन्हें नेस्ट uh, ना मिल गया जब तक उन्हें घड़ियाल के अंडे नहीं मिल गए वो अंडे जहाँ थे उनका उसका नेस्ट नहीं मिल गया जहाँ पे घड़ियाल ने अंडे दे रखे थे और वो उस नेस्ट की रखवाली कर रही थी शी वॉज वॉचिंग इट केयरफुली वी वेर होपिंग टू रेयर है हर यंग वन सेफली इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज देम वो उनके बच्चों को रैर करना चाहते थे रैर करना मतलब पालना रैर करना मतलब किसी की देखभाल करना पालना तब तक जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं ओके देवर रेरिंग हर यंग वन सेफली इन कैप्टिविटी वो उसको पकड़कर पालना चाहते थे सेफली एंड देन रिलीज them और बाद में जब वो बड़े हो जाए तब उन्हें वापस से छोड़ देना चाहते थे बट शी डिडेंट नो दैट मगर उस घड़ियाल को ये पता नहीं था स्टिल शी didn't attack us फिर भी उस घरियाल ने उन लोगों को अटैक नहीं किया उन पर हमला नहीं किया इट वॉज इन the mid एटीज ये कहानी कब की है ये बात कब की है नाइनटीन एटीज की मिड नाइनटीन एटीज की बात है ये उन्नीस सौ अस्सी के दशक की कहानी है ये वी डिडेंट नो इट देन बट दिस मे हैव बीन द लास्ट टाइम घड़ियाल्स नेस्टेड इन बांग्लादेश उन्हें ये बात तब मालूम नहीं थी पर यह शायद आखिरी बार ही था जब घड़ियाल ने बांग्लादेश में नेस्ट किया था मतलब बांग्लादेश के एरिया में बच्चे दिए थे द प्रॉब्लम वॉज दैट नो वन न्यू इनफ अबाउट दिस अनयूजबल क्रोकोडाइल टू बी एबल टू बी हेल्प इट प्रॉब्लम की बात ये थी परेशानी की बात यह थी कि किसी को भी उस वक्त 1980s में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्रोकोडाइल्स के बारे में और किस तरह से उनकी मदद की जाए इस बारे में भी ज्यादा अधिक जानकारी उन लोगों को नहीं थी दिस इज वॉट मेड मी वर्क एज मच एज आई कुड इन घड़ियाल कंट्री इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल और इसी वजह से उन लोगों ने आ, किसने ये जो राइटर के हस्बैंड हैं रोमिलस वाइट टेकर ने और उनकी वाइफ ने और उनकी टीम ने इस एरिया में इस जगह पे काम करना शुरू किया घड़ियाल्स के लिए उन लोगों ने घड़ियाल्स को बचाने के लिए इन सारी कंट्रीज में कंजर्वेशन का काम घड़ियाल कंजर्वेशन का क्रोकोडाइल कंजर्वेशन का काम स्टार्ट किया इंडिया बांग्लादेश और नेपाल में ओके सेट द घड़ियाल अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर क्रोकोडायलियंस एंड इट्स लॉन्ग स्नॉट घड़ियाल को कौन सी बात थी जो बिल्कुल घड़ियाल का जो लंबा लॉन्ग स्नॉट था वो घड़ियाल को और सारे क्रोकोडाइलियंस से और क्रोकोडाइल की जो सारी प्रजाति थी क्रोकोडाइल्स के बहुत अलग अलग स्पीसीज होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक घड़ियाल एलिगेटर्स इनको मगरमच्छ ये सब कहते हैं इनके क्या होते हैं अलग अलग तरह की प्रजाति होती है उनमें घड़ियाल सबसे अलग होता है घड़ियाल का जो लंबा स्नॉट होता है उसकी पतली सी लंबी सी जो मुंह होती है जबड़ा होता है उनका वो उनको और सारे क्रोकोडाइलियन से बिल्कुल अलग करता है आप देख सकते हैं डायग्राम में उनका जो फ्रंट पार्ट होता है इनक, इनके इनके मुंह का वो बहुत ही लंबा और पतला सा होता है ओके उनका मुंह बहुत लंबा होता है द स्लिम जॉज उनके जॉज़ बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले भी होते हैं बहुत स्लिम भी होते हैं द स्लिम जॉज लाइंड विथ शार्प टीज आर आइडियल फॉर कैचिंग फिश इनके जो लंबे पतले जॉज होते हैं इनके जबड़े होते हैं बहुत ही स्लिम पतले होते हैं उनके चारों तरफ लाइंड शार्प तीत होते हैं इनके दांत बड़े नोखेले नोखेले इनके जॉज के चारों तरफ होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं बहुत आइडियल होते हैं बहुत सही है फॉर कैचिंग फिश मछलियां पकड़ने में बहुत ही मदद करते हैं बहुत अच्छे होते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं इनके जॉज को इनके जबड़े को बहुत ही पतली सी स्नॉट होती है जिसके चारों तरफ तीत्स होते हैं और जो इनको हेल्प करते हैं मछलियां पकड़ने में ओके बट दे हैव अनदर फंक्शन मगर उनका कुछ और भी काम है वेन अ मेल रीचेज एडोलसेंस जब एक मेल बड़ा हो जाता है अपने चाइल्डहुड फेज को क्रॉस कर जाता है और एडोलसेंस फेज में पहुंच जाता है एट अराउंड एज ट्वेल्व बारह साल की उम्र में अ स्ट्रेंज अपेंडेज बिगिन ग्रोइंग ऑन द टिप ऑफ हिस्स नॉटिक अलग सा अलग सी चीज अलग सी अटैच चीज उस पे उगने लगती है बढ़ने लगती है उनकी स्नॉट पे उनके जबड़े पे दिस इज घड़ा, और ये क्या है घड़ा है द हिंदी ऑफ पॉट पॉट को हिंदी में घड़ा करते हैं कहते हैं विच इट रिजेबल्स और ये जो घड़ा है जो इनकी इनके स्नॉट पे उभर आता है निकल आता है वो हिंदी के पॉट को रिजेंबल करता है हिंदी में पॉट को घड़ा कहते घड़े को रिजेंबल करता है इसीलिए उसे घड़ा कहते हैं इट कम्प्लीटली कवर्स एंड डाउन ऑन द नॉस्ट्रल्स और ये इनके नोस्ट्रल्स को नाक के छेदों को क्या करता है बिल्कुल कवर कर लेता है ढक लेता है प्रेस कर देता है दबा देता है व्हेन द मेल ब्रीड्स आउट फोर्सफुली इट प्रोड्यूस अ नॉइज दैट कैरीज एक्रॉस द वाटर और जब ये मेल घड़ियाल जो होते हैं वो सांस लेते हैं तो क्या होता है एक अलग सी आवाज प्रोड्यूस होती है एक अलग सा साउंड नॉइज प्रोड्यूस होता है पानी में और ये पानी में बिल्कुल फैल जाता है ये नॉइज द पोलाइटेस्ट टर्म आई कैन कम फॉर दिस नॉइज इज बज नॉट और uh, जो राइटर है वो इस आवाज को क्या नाम दे रहा है बज नॉट कह रहा है नॉट से निकलने वाली बज तो बज नॉट इट्स सर्व टू पर्पस ये जो आवाज है दो काम करती है क्या काम करती है ये टू अट्रैक्ट फीमेल्स ये फीमेल्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है खींचती है एंड वार्न वार्न फॉर ऑफ राइवल्स और जो दुश्मन है राइवल्स हैं उनको वार्निंग देती है वी वंस हर्ड द बज नॉट इन एक्शन नियर राजघाट ऑन द चंबल रिवर इन दर्न इंडिया एक बार इन लोगों ने ये बजनॉट ये आवाज़ सुनी थी कब जब वो काम कर रहे थे आ, अपनी खोज का काम कर रहे थे राजघाट में चंबल रिवर में नदर्न इंडिया में वी सॉ अग मेल घड़ियाल एंड हर्ड हिज अंडर वॉटर टेरेस्ट्रियल जॉ क्लैप इन्होंने एक बहुत बड़ा मेल घड़ियाल देखा था और आ, उन्होंने सुना था जब वो अंडर under, वाटर अपने जॉज को अपने जबड़े को क्लैप कर रहे थे जैसे हम लोग अपने हाथ को क्लैप करते हैं वो भी अपने जबरे को क्लैप करते हैं ओके द घड़ियाल इज द ओनली क्रोकोडाइल टू एडवर्टाइज इट्स प्रेजेंस इन दिस वे अंडर वॉटर सिर्फ घड़ियाल ही ऐसा क्रोकोडाइल है सारे क्रोकोडाइल्स में घड़ियाल ही एक ऐसा क्रोकोडाइल है जो अपनी प्रेजेंस को अपने होने को एडवर्टाइज करता है बताता है दूर दूर तक अंडर वाटर इस तरह आवाज निकालकर वो दूर दूर के एरिया में ये बताता है कि ये मेरा एरिया है मैं इस एरिया पे मेरा आधिपत्य है मेरा राज है सम बायोलॉजिस्ट थिंक दिस कुड बी अ मेथड ऑफ स्टनिंग प्रेज एज वेल एज मेकिंग टेरेटरी और जो बायोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज पर रिसर्च करते हैं उन लोगों ने ये बताया है उन लोगों का ये मानना है उनका ये कहना है कि ये तरीका घड़ियाल इस्तेमाल करता है अपने जो प्रे है उनके जो शिकार हैं उनको डराने के लिए उनको स्टन करने के लिए एज वेल एज फॉर मेकिंग टेरिटरीज और अपने इलाके का दावा करने के लिए ये बताने के लिए कि ये मेरा इलाका है अपनी टेरिटरी को क्लेम करने के लिए ओके दो इट वॉज विंटर अ टाइम वेन क्रोकोडाइल्स बास्क ऑन द सैंड बैंग्स टू वार्म अप दिस मेल स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम इन द वॉटर जबकि वो वक्त सर्दी का था ठंड का मौसम था जिस वक्त जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो सैंड बैंग्स पे आ जाते हैं रेत के ऊपर आ जाते हैं किनारे पे आ जाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए फिर भी ये जो मेल घड़ियाल था वो पानी में ही अधिकतर समय रहता था अलर्ट टू एनी मेल हु माई ट्राई टू टेक हि पोजीशन और दूसरे मेल घड़ियाल को अपना पोजीशन लेने से रोकने के लिए उनको अलर्ट करता था कि मैं अभी भी पानी में हूं तुम मेरी जगह नहीं ले सकते ओके फाइट्स बिटवीन मेल घड़ियाल्स इन्वॉल्व टेरिफिक डिस्प्लेज ऑफ प्रोवेस जो मेल घड़ियाल हैं वो क्या करते हैं अपनी लड़ाई में अपने स्किल को दिखाते हैं लड़ाई के वक्त बहुत ही टेरिफिक तरीके से ये लड़ते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से ये लड़ते हैं और लड़ाई के वक्त ये डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोवेस को प्रोवेस को डिस्प्ले अपने स्किल को लड़ने के तरीके को ये डिस्प्ले करते हैं द टेरेटरी होल्डर्स सर्ज फॉर फॉरवर्ड चर्निंग द वॉटर इंटू फोर्थ विथ स्टेल जो टेरेटरी होल, होल्डर होता है जो उस आ, एरिया का नदी के उस एरिया का जो होल्डर होता है जो वहां का एक तरीके से आप कह सकते हैं राजा होता है वो पानी में अपनी पूछ हिलाता हुआ घूमता है इफ द अदर घड़ियाल इज नॉट फ्राइटेंड अवे अगर दूसरा घड़ियाल उसे उसे इस तरह से आते देख आगे पीछे अपनी पूछ करते देख पानी को हिलाता हुआ देख नहीं डरता है द टू मेल्स फाइट देन तब उन दोनों में लड़ाई होती है दोनों मेल्स में लड़ाई होती है दिस landers not क्लैश लाइक देअ लैंडर स्नोट्स क्लैश लाइक शॉर्ट इन द एयर और इनके जो स्नॉट्स हैं इनके जो जबड़े हैं वो एक दूसरे से हवा में टकराते हैं मानो तलवार टकरा रही हो जैसे कि लड़ाई में क्लैश करती है सॉर्ड्स बिल्कुल वैसे ही तलवार की तरह इनके जो स्नॉट्स हैं वो स्लैंडर करते हैं दो दे सीम्स टू फ्रेजाइल फॉर सच वायलेंट एक्शन इंडीड यू कैन ऑफ एन हियर द क्रैक ऑफ द टूथ और बोन हिटिंग बोन्स आप अक्सर इनकी लड़ाई में सुन सकते हैं ए, इनके दांत के टकराने को ए, एक दूसरे के टूथ तूत के टूटने की आवाज़ सुन सकते हैं और एक दूसरे के बोन्स के हिटिंग की आवाज़ सुन सकते हैं हड्डियों के हिट करने की आवाज़ सुन सकते हैं इवेंचुअली वन घड़ियाल विल प्रिवेल एंड द अदर विल रिट्रीट और लास्टली क्या होता है को एक घड़ियाल प्रिवेल जीत जाता है और दूसरा हार जाता है आफ्टर द मेल कंप दिस स्टेज जब मेल अपनी ये लड़ाई पूरी कर लेते हैं इट इज द फीमेल्स हु डू द वॉर उसके बाद फीमेल्स में लड़ाई होती है बैटलिंग ओवर द बेस्ट नेस्ट साइट और फीमेल्स में क्यों लड़ाई होती है बेस्ट नेस्ट साइट नेस्ट बनाने की जगह को लेकर इनके बीच लड़ाई होती है वंस द फाइट्स आर ओवर अ मदर घड़ियाल मेक्स अ नेस्ट होल जब लड़ाई पूरी हो जाती है तो मदर घड़ियाल जो होती है वो क्या करती है अपना नेस्ट बनाती है अपने घोंसले बनाती है नेस्ट होल बनाती है नेस्ट इनका नेस्ट कैसा होता है छेद की तरह होता है होल की तरह होता है फोर्टी और फिफ्टी सेंटीमीटर डीप विथ हर हिंड फीट और ये अपना ये होल कैसे बनाती है चालीस से पचास सेंटीमीटर गहरा होल बनाती है सैंड पे अपने हिंड फीट से अपने आगे के पैरों से आगे के जो इनके पाव होते हैं उनसे इन टू विच सी लेज अबाउट फिफ्टी लार्ज एग्स जिनमें ये लगभग पचास बड़े बड़े अंडे देती है शी देन कवर्स द नेस्ट और अंडे देने के बाद ये क्या करती है नेस्ट को ढक देती है उस गड्ढे को कवर कर देती है टॉसिंग सैंड ओवर द एरिया टू हाइड हर ट्रैक्स हाइना एंड मोंगूज और फिर ये उसमें सैंड भरने के बाद अपने ट्रैक्स को मतलब अपने पाओ के निशान को भी कवर कर देती है ढक देती है मिटाती जाती है अपने नेस्ट को अपने अंडों को किससे बचाने के लिए प्रीडेटर्स से हाइनास, जैकाल मंगूस से ये सारे क्या है आ, इन, ये सारे उनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं ये सारे उनके अंडों को खा जाते हैं एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोमड़ी फॉक्स ये सारे आ, हाइना जैकाल जैसे जो जानवर होते हैं बिफोर रिटर्निंग टू द रिवर टू कीप वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस और ये अपने ट्रैक्स को कवर करती भी जाती है अपने जो पाओं के निशान होते हैं इनके उनको कव, मिटाती हुई जाती हैं और वापस नदी में लौट जाती हैं और दूर से ही बहुत डिस्टेंस से नदी से ही ये अपने नेस्ट पे नजर रखती हैं कि कोई इनके नेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए मैनी क्रोकोडाइलिन आर अटेंटिव पेरेंट्स जो क्रोकोडायलिन होते हैं बड़े ही अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं या अप, अपने बच्चों का अपने घोंसलों का बहुत ध्यान रखते हैं बट लिटिल वॉज नोन अबाउट हाउ घड़ियाल्स केयर फॉर देयर यंग वंस मगर हम बहुत कम ही जानते हैं इनके बारे में कि ये अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं एंटिल आई ऑब्जर्व आवर कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन तब तक इन लोगों ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था इन लोगों ने ये बात कब ऑब्जर्व की कब इन्हें ये बात पता चली जब इन्होंने कैप्टिविटी में बंद करके घड़ियाल्स को पाला ब्रीडिंग कराई जैसे कि आप जू में जाते हो तो जू में क्या होते हैं वो कैप्टिविटी में उनके लिए एक पॉन्ड या फिर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना दिया जाता है जिनमें ये रहते हैं और ब्रीड करते हैं बच्चे देते हैं जब इन इन लोगों ने कैप्टिविटी में रखे हुए घड़ियाल्स को ब्रीड करते हुए देखा बच्चे देते हुए देखा तब इन्हें पता चला कि हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस ओके वन डे आई नोटिस अ मदर बिगिन टू डिग अप हर नेस्ट एक दिन इन्होंने नोटिस किया देखा कि एक मर्डर मदर घड़ियाल जो थी वो क्या कर रही थी वो अपने नेस्ट को खोद रही थी डिग कर रही थी एज आई गॉट क्लोजर आई कुड हियर हर बेबीज कॉलिंग फ्रॉम बनीथ द सैंड जैसे मैं नज़दीक गया मैंने उनके उसके बच्चों को सैंड के नीचे से आवाज लगाते हुए देखा बोलते हुए देखा जस्ट एज अदर यंग क्रोकोडाइल्स डू वैसी ही आवाज जैसे कि यंग क्रोकोडाइल्स छोटे बच्चे क्रोकोडाइल्स जो हैं वो बोलते हैं इट कैन मेक टेक मदर क्रोकोडाइल्स आवर्स टू हेल्प देयर बेबीज रीच द वॉटर मदर क्रोकोडाइल को घंटों लग जाते हैं अपने बच्चों को पानी तक पहुंचाने में एज दे कैन नॉट सी एग्जैक्टली वेर द यंगस्टर्स आर क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly देख नहीं सकती कि उनके बच्चे कहाँ हैं दे ऑफन मेक मिस्टेक रॉक्स एक्शेल्स क्लॉथ ऑफ डर्ट एंड इवन बेबी टर्टल्स ऑफ देर यंग वंस। वो अक्सर ही मिस्टेक कर जाती हैं गलती कर जाती हैं अपने बच्चों को uh, पत्थरों को अपने बच्चे समझ लेती हैं या एक्शेल्स को या क्लॉग हुई गंदगी को या फिर कभी कभी बेबी टर्टल्स को भी अपने बच्चे वो समझ लेती हैं एंड विल टेंडरली कैरी देम टू रिवर और उन्हें उठाकर अपने मुंह से अपने जबड़े से अपने स्नॉट से पकड़कर उन्हें टेंडरली बड़े प्यार से बड़े सॉफ्टली उन्हें पानी तक और रिवर तक पहुंचा देती हैं दिस फीमेल डग फ्रंट फीट अंटिल शी फ्लिप्ड आउट अ बेबी ये जो फीमेल थी जिसे ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे जिसे ये लोग देख रहे थे वो क्या कर रही थी उसने अपने अगले पैरों से फ्रंट फीट से डग किया गड्ढा खोदना शुरू किया तब तक खोदा जब तक कि शी फ्लिप्ड आउट अ बेबी जब तक वो एक बच्चे को निकालना लिया उसने गड्ढे विच लैंडेड बाय हर हिंडफ फीट जो की उसके अगले पैरों के पास थावेटेड द रेस्ट ऑफ द नेस्ट एंड देन टर्न अराउंड एंड स्लाइड इन टू द रिवर फिर उसने पूरे नेस्ट को निकाला सारे बच्चों को निकाला और फिर वो मुड़ गई किधर नदी की तरफ च, जाने लगी विथ हर थर्टी सिक्स बेबीज फॉलोड रादर लाइक डकलिंग्स और उसके पीछे पीछे उसके थर्टी सिक्स जो बच्चे थे वो भी उसको फॉलो करने लगे उसके पीछे पीछे जाने लगे जैसे डकलिंग्स जाते हैं जैसे डक के बच्चे जाते हैं डक के पीछे अलर्टेड बाय ऑल द एक्टिविटीज द मेल स्टेड नियर बाय और इन सारे एक्टिविटी को ध्यान में रखे हुए जो मेल घड़ियाल था वो नजदीक में ही था वेन ही swam क्लोज द बेबीज climbed इन टू हिज हेड और जैसे ही ये तैर कर नजदीक आता है वो जो बच्चे थे वो सारे उसके ऊपर उसके सर पे चढ़ गए ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम अ एग्रेसिव फाइटर into अ डिवोटेड पेरेंट्स और एक एग्रेसिव फाइटर एक लड़ाकू फाइटर की तरह एक गुस्सेल फाइटर से ये एक डिवोटेड पेरेंट्स की तरह दिखने लगा एक लड़ने वाले घड़ियाल से ये एक बहुत ही नर्म दिल पेरेंट्स की तरह दिखने लगा जो अपने बच्चों का केयर कर रहा था अपने बच्चों को अपने ऊपर लेकर तैर रहा था बोथ एडल्ट देन गार्डेड द यंगस्टर्स ये दोनों अपने बच्चों को गार्ड करने लगे इनकी रक्षा करने लगे इन द वाइल्ड द बिहेवियर इज नो डाउट सिमिलर और इनके जो बिहेवियर थे वो वाइल्ड लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं सिमिलर ही होते हैं मतलब ये कैप्टिविटी वाला घड़ियाल था जिसे कैप्टिविटी में था जो घड़ियाल उसको ये लोग देख रहे थे जिनको इन्होंने पकड़ के रखा था और जो वाइल्ड लाइफ घड़ियाल होते हैं मतलब जो खुद से बाहर बच्चे देते हैं और बाहर रिवर्स uh, में रहते हैं वो भी उनका बिहेवियर भी कैसा होता है ऐसा ही होता है सिमिलर होता है अप years ago, the अगो द not अलोंग द डीप रिवर्स ऑफ द the इंडिया India subcontinent. लगभग सौ सालों तक जो घड़ियाल का बस नॉट है वो सुनाई देता रहा है कहा रिवर्स में डीप रिवर्स में नदर्न इंडिया के नॉट फॉर द घड़ियाल द स्टिल वॉटर्स ऑफ पॉन्स एंड लेक्स अद घड़ियाल थ्राइव और ये लोग बड़े अच्छे से ग्रो करते आए हैं वॉटर्स में पॉन्स में लेक्स में दिस इज अ रिवर ड्वेलर दी फिश ये रिवर में रहने वाला एक ऐसा जीव है जो कि सिर्फ मछली खाता है अनफॉर्चुनेटली दिस चॉइस ऑफ हैबिटेट एंड डाइट हैज बीन द घड़ियाल डाउनफॉल और शायद यही बात है कि उनकी जो चॉइस की हैबिटेट है उनका जो खाना है यही वजह है उनके डाउनफॉल का उनके संख्या में कमी होने का इट्स रिवर आर बीइंग डैम्ड विच मींस दैट ग्रुप ऑफ घड़ियाल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फोर्स टू लिव इन रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट्स और जो रिवर्स हैं उन पर डैम्स बन रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है उनको सेपरेटली रहना पड़ रहा है और इनके जो एरियाज इनके रहने के जो हैबिटेट्स के एरियाज क्या श्रिंक होते जा रहे हैं कम कम होते जा रहे हैं क्योंकि डैम्स बनते जा रहे हैं तो इनके जो रहने के हैबिटेट के एरिया नदियां हैं उसमें जगह क्या होती जा रही है इनके लिए कम होती जा रही है आफ्टर द लास्ट एज द घड़ियाल स्टेट आउट अबाउट टू थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिवर पिछले आइस एज के पिछली बार आइस एज क्या है जब पूरी धरती पे लास्ट टाइम बर्फ से ढक गई थी ये ये कम से कम अभी से 11,000 थाउजेंड ईयर्स पहले हुआ था जब लगभग पूरी धरती बर्फ से ढक गई थी कवर हो गई थी बर्फ से ओके okay? उस वक्त क्या हुआ जो घड़ियाल थे वो रिवर के बीस हजार स्क्वायर किलोमीटर्स में ही रह गए उसके बाद से स्पैनिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू म्यांमार म्यांमार से पाकिस्तान के बीच में इट्स डोमेन इज अ मेरे 200 हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अब ये लगभग 200 सौ स्क्वायर किलोमीटर में रह गए हैं और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इनके रहने की जगह में और कमी होती जा रही है टू काउंटर दिस डिक्लाइन एंड दैट ऑफ अदर इंडियन क्रोकोडाइलियंस ये जो कमी होती जा रही है इसको रोकने के लिए इसको बचाने के लिए कम होने से एंड एंड ऑफ अदर इंडियनोड्स ना ही सिर्फ घड़ियाल के लिए और दूसरे क्रोकोडाइलोड इंडियन गवर्नमेंट विद्प फ्रॉम दू एन एक प्रोजेक्ट सेटअप किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो की नाइनटीन सेवन सेवनटी फोर में सेटअप किया गया और यूनाइटेड नेशन की हेल्प से थ्रू आउट 90s, नाइनटीन सेवेंटीज़ एंड नाइनटीन एटीज वी कैरीड आउट सर्वे नाइनटीन सेवन उन्नीस सौ सत्तर और उन्नीस सौ अस्सी के दशकों में घरियाल और क्रोकोडाइल्स पे सर्वे निकाले गए बिहेवियरल स्टडी एंड कैप्टिव ब्रीदिंग इनके बिहेवियर को स्टडी किया गया उनकी बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किए गए और इनकी कैप्टिव ब्रीदिंग की गई इनको रखकर कैप्टिविटी में ब्रीड करवाया गया और बाद में ब्रीड करवा के इनके बच्चों को सुरक्षित क्या करते थे छोड़ आते थे नदियों में वी रीच थाउजेंड ऑफ यंगस्टर्स एंड रिलीज देम इन प्रोटेक्टेड एरियाज इन लोगों ने बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को रेयर किया और थाउजेंड थाउजेंड यंगस्टर्स को रेयर किया बचाया प्रोटेक्ट किया बड़ा किया और इन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज में अच्छी अच्छी नदियों के एरियाज़ में इनको छोड़ा, रिलीज कर दिया सैडली फ्यू ऑफ देम क्रोकोडाइल्स सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग बट वी डिड नो वाई पर बहुत दुख की बात है कि उनमें से बहुत कम क्रोकोडाइल्स ही सरवाइव कर पाए बहुत कम ही जीवित रह गए बट वी डिडेंट नो वाई पर वो नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ फॉर एग्जाम्पल द ब्यूटिफुल सतकोसिया जॉर्जी इन उड़ीसा एपियस टू हैव एवरी थिंग अ घड़ियाल कुड वॉन्ट सतकोसिया जॉर्जी क्या है एक डीप नैरो वैली है महानदी रिवर की महानदी रिवर में एक वैली है महानदी रिवर जो एक वैली से बहती है सतकोशिया जॉर्जिया जो उड़ीसा में है ये क्या है बहुत अच्छी जगह थी किसके लिए घड़ियाल्स के लिए क्योंकि यहाँ पे वो हर चीज थी जो घड़ियाल को चाहिए थी बिकॉज इन उड़ीसा एपिस टू हैव एवरी थिंग अ घड़ियाल कुड वॉन्ट फिश सैंड बैंक्स एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे मछलियां भी थी सैंड बैंक्स भी थे टू ब्रीड अपने अंडे देने के लिए और प्रोटेक्शन भी था थ्रेट सच एज बैंबू राफ्टिंग एंड नेट फिशिंग क्योंकि इस एरिया में राफ्टिंग बांस के जो बैंबू बनाए जाते हैं जोड़ जोड़कर वो बना बैंबू राफ्टिंग भी मना था और नेट फिशिंग जाल से मछलियां पकड़ना भी मना था इसीलिए ये एरिया क्या था बहुत ही प्रोटेक्टेड था सेफ एरिया था येट ओनली टू ऑफ द सेवन हंड्रेड घड़ियाल रिलीज्ड हेयर इन द पास्ट थ्री डेकेज है फिर भी सात सौ घड़ियाल जो पिछले तीन दशक में यहां छोड़े गए उनमें से सिर्फ दो ही जीवित रह पाए हैं सिर्फ दो ही सरवाइव कर पाए हैं वेन आई विजिटेड द जॉर्ज ड्यूरिंग द माउनसून इन मिड जुलाई आई सॉ हाउ स्मॉल स्ट्रीम्स हैव बिगिन टॉरेंस जब पिछली बार ये जो राइटर हैं उन्होंने मानसून के वक्त जॉर्ज वो गई थी तब उन्होंने क्या देखा कि जितने भी स्मॉल स्ट्रीम्स थे छोटी छोटी नदियां थी वो क्या हो गए हैं दे बिकेम टोरेंस वो बड़े बड़े स्ट्रांग मूविंग मतलब टॉरेंस क्या होते हैं जिसमें कि बहुत तेज धार बहती है बहुत अधिक धारा तेज होती है पानी का बहाव बहुत अधिक होता है टोरेंस बन गए हैं मतलब धार बहुत अधिक अधिक हो गया है इन स्ट्रीम्स में द रिवर हैड इरोडेड द बैंक्स एंड अपरूटेड ट्रीज इन लोगों ने इस धार के तेज होने की वजह से क्या हुआ इनके जो बैंक्स हैं वो इरोड हो गए वहां की वहां के जो बालू सैंड है वो सारे बह गए हैं और दे हैव अपरूटेड द ट्रीज और जो पेड़ है उनको इन्होंने जड़ से उखाड़ दिया है द रिलीज घड़ियाज ऑब्वियसली बींग फ्लश्ड और शायद ये जो धारा बहुत तेज हो गई है टॉर्नस बन गए हैं स्ट्रीम्स इसकी वजह से क्या हुआ होगा घड़ियाल जो हैं वो बह गए हैं फ्लश हो गए हैं डाउन रिवर नीचे की नदियों में आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर एंड ईवन इन टू द रिवर इवन इन टू द सी और शायद वो सी में भी चले गए हैं समुद्र में भी चले गए हैं वन वॉज सीन ऑन अ बीच एक को उन्होंने बीच पे देखा अदर्स इन मैंग्रोव्स एंड पॉन्स कुछ को उन्होंने मैंग्रोव्स और पॉन्स में देखा दोज दैट एंडेड अप इन ट्रिब्यूटरीज वे कॉट इन फिशिंग नेट जो कि ट्रिब्यूटरीज में चले गए बहकर घरियास ट्रिब्यूटरीज नदियों के जो अलग अलग छोटी छोटी नदियों के पार्ट होते हैं दूसरी नदियों में बहकर चले गए वो शायद फिशिंग नेट्स में पकड़े गए होंगे मछलियों के जाल में पकड़े गए होंगे फिशिंग इज अ मैसिव प्रॉब्लम जो मछलियां पकड़ना है वो काफी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घड़ियाल्स के लिए इन इन सपोजली प्रोटेक्टेड एरियाज और खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज में वी सॉ सेवरल घड़ियाल्स हुज नॉट हैड नॉट Had got tangled in nylon fishing net. हमने बहुत बार देखा कि घड़ियाल का जो जबड़ा होता है स्नॉट होता है वो टैंगल हो जाता है फस जाता है किसमें नाइलॉन फिशिंग नेट में मछली पकड़ने वाले जाल में इट वॉज क्लियर दैट डिस्पाइट द रूल्स नेट्स वेर बींग सेट एट नाइट जबकि रूल्स बने हुए हैं नेट नहीं लगाने का फिर भी ये लोग रात में लोग नेट लगाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए इंटेंगलिंग घड़ियाल ट्राई टू स्विम थ्रू देम और अटेम्प्ट टू ईट द नेस्टेड फिश और ये जो घड़ियाल हैं वो उनमें क्या हो जाते हैं इंटैंगल हो जाते हैं जो तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं वो उस, उस जाल में फंस जाते हैं या फिर वो उनके जो स्नॉट होते हैं उनकी जो जबड़े होते हैं वो मछलियां खाने की कोशिश करने में उन जालों में फंसी हुई मछलियों को खाने की कोशिश करने में उनके स्नॉट क्या होता है उसमें फंस जाते हैं द क्रोकोडाइज डिड इन ड्रॉन क्रोकोडाइल्स डूबते नहीं है बट दे वे आर लेफ्ट अनएबल टू ओपन दे जॉज मगर वो अपने उनके जबड़े फंस जाते हैं और अपने जबड़े खोल नहीं पाते एंड दस इन डेंजर ऑफ स्टारविंग टू डेथ और इसीलिए वो भूख से मर सकते हैं क्लियरली तो द घड़ियाल इज नॉट इन सच अ डेंजर एज बिफोर अब घड़ियाल उतने डेंजर में नहीं है जैसे कि पहले थे अब थर्टी ईयर स्ट्रेटजी ऑफ कैबिटी ब्रीडिंग हैज नॉट बीन इनफ फिर भी तीस साल से जो ये स्ट्रेटजी ये तरीका चला आ रहा है कैप्टिव ब्रीदिंग का वो काफी नहीं है द स्पीसीज फेस एन अनसर्टन फ्यूचर अभी भी इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अनसर्टन है लोग जानते नहीं कि क्या होगा क्या वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे धरती से या फिर सेफ रहेंगे कहीं ना कहीं एंड इट्स सर्वाइवल इज क्लोजली लिंक्ड विद द नीड्स ऑफ ह्यूमन डिपार्टमेंट एंड रिवर्स इनका जो सर्वाइवल है इनकी जो इनकी जिंदगी है बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है रिलेटेड है किस चीज से ह्यूमन डिपार्टमेंट्स ऑन द रिवर्स रिवर के जो डिपार्टमेंट है ना ह्यूमन्स के उनसे काफी लिंक्ड है आवर कैंपेन इज पार्ट ऑफ अ मच लार्जर एफर्ट टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ दीज रिवर्स इनका जो कैंपेन ये लोग जो चलाते थे कैंपेन ये सिर्फ घड़ियाल का नहीं है उनके घड़ियाल के साथ साथ रिवर्स को बचाने का भी बहुत कोशिश करते हैं बहुत सारी नदियों को बचाने का भी बचाने की कोशिश करते हैं ये द थ्रेट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इंक्रीज डे बाई डे ये ये जो नदियां हैं नदिये नदियों का सर्वाइवल नदियां भी बहुत खतरे में है डेवलपमेंट की वजह से पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से बट वी आर होपफुल दैट पीपल आर एट लीस्ट रेडी टू डू वॉट इट टेक्स टू सेव द घरियाल पर इन्हें उम्मीद है इन्हें खुशी है इस बात की कि लोग एटलीस्ट घड़ियाल को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हेल्दी रिवर और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वो नदियों को साफ कर रहे हैं नदी अच्छे रिवर्स साफ रिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हेल्दी रिवर्स की कोशिश कर रहे हैं सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सेविंग द घड़ियाल सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर If you have liked the explanation, you have liked the chapter, you understood the chapter well, then please don't forget to like, subscribe and share the video guys. And thank you for watching this video guys.